पैनिक अटैक। पैनिक अटैक एक ऐसा दौरा होता है जिसके बारे में कई बार पता ही नहीं चलता। काम के दबाव और अन्य तनाव की वजह से मानसिक समस्याएं भी बेहद आम हो चुकी हैं। लगातार बढ़ रही समस्याओं के बीच आजकल पैनिक अटैक भी एक तेजी से बढ़ती समस्या साबित हो रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के मन में मौत का डर भर देती है। कभी कभी कुछ लोगों पर यह भय इस कदर हावी हो जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वह मरने वाला है, या उन्हें लगता है कि दिल का दौरा पड़ सकता है। हालांकि पैनिक अटैक होने पर व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि वास्तव में उसके जीवन में कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह अटैक कुछ सेकंड से लेकर एक घंटे तक का हो सकता है। कई बार इसका अनुभव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैनिक अटैक के कारण, पैनिक अटैक के लक्षण, पैनिक अटैक आने पर क्या करें, इन सभी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको ऐसी और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अब जानते हैं पैनिक अटैक के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहला कारण इसके पीछे जेनेटिक हो सकता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि पैनिक अटैक अनुवांशिक कारणों से होता है। नंबर टू, ऐसे लोग जो स्वभाव से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनके पैनिक अटैक के मामले अक्सर देखे जा सकते हैं। नंबर थ्री, जो लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। नंबर फोर, अचानक से कुछ ऐसा घटित होना जो डर को हावी कर दे। नंबर फाइव, बहुत ज्यादा तनाव और डर से दिल की धड़कन का बढ़ना। दोस्तों, अब जानते हैं पैनिक अटैक आने पर किस तरह के लक्षण दिखते हैं। कंपकंपी होना या पूरे शरीर में अनुभव हो सकती है। तेज तेज और छोटी सांस आना, शरीर में सिरहन महसूस होना, ऐसा लगना जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो। अचानक सांस फूलने लगती है, इससे घुटन भी महसूस हो सकती है। डर का होना, हो सकता है कि डर की वजह न पता हो, लेकिन फिर भी किसी बात का अनजाना सा डर होना। बेचैनी, पैरों का कांपना, सीने में दर्द और बेचैनी होना, वोमिटिंग और पेट खराब हो जाना, हार्ट बीट तेज हो जाना और जोर जोर से दिल धड़कने लगना, तेज गर्मी महसूस करना और बेहोशी की हालत में होना। अब जानते हैं पैनिक अटैक आने पर क्या करना चाहिए। जब आपको कभी अचानक से घबराहट होने लगे या फिर चक्कर आने लगे, तो आप गहरी सांसें लेना शुरू कर दें। नाक के द्वारा जल्दी जल्दी सांस लें, उसके बाद सांस को थोड़ा सा रोककर फिर से लंबी सांस लें। मैं मर जाऊंगा, कई मामलों में तो लोग पैनिक अटैक को हार्ट अटैक मानकर डर जाते हैं कि वह मर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पैनिक अटैक में मौत की कोई आशंका नहीं होती। पैनिक अटैक आने पर व्यक्ति के मन में नेगेटिव थॉट्स सबसे पहले आने लगते हैं, जबकि उस दौरान खुद को संभालते हुए नेगेटिव थॉट्स आने से खुद को रोकना चाहिए। लोगों को लगता है कि वह बेहोश हो जाएंगे। बता दें कि ब्लड प्रेशर लो होने पर व्यक्ति बेहोश होता है, लेकिन पैनिक अटैक में ब्लड प्रेशर लो नहीं, हाई हो जाता है, तो बेहोश होने की कोई आशंका नहीं है। लोगों को लगता है कि उनका खुद पर से कंट्रोल खो चुका है, जबकि ऐसा सोचने की बजाय हम जहां पर हैं हमें वहीं आराम से बैठ जाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं डॉक्टर के पास कब जाएं। वैसे पैनिक अटैक जानलेवा नहीं है, लेकिन पैनिक अटैक का अनुभव बहुत ही खतरनाक है, जिसका दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपको दोबारा पैनिक अटैक आने का खतरा हो रहा है, तो आपको पैनिक अटैक डिसऑर्डर है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पर लाइक कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।